हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज के इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी दिन से अगर आप अप्सेंट चल रहे हैं तो रिजिग्नेशन देने में क्या आपको प्रॉब्लम होगा इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे काफ़ी लोग क्वेरी करते रहते हैं तो अगर काफ़ी दिन से अगर आप अपसेंट चल रहे हैं ड्यूटी तो तो नहीं कर रहे हैं और आपको कंसर्न जिस पोस्ट में आप जॉब कर रहे हैं अगर उससे में अगर रिजिगनेशन देना है तो एक्चुअली जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर आके जो है रिजिगनेशन आपको दे देना है और रजिग्नेशन uh, देने के बाद जो है एक्चुअली uh, आपको कंसर्न डिवीज़न जहाँ से आप जॉब uh, कर रहे हैं वहाँ पे जाके जो है आपको एक महीना या दो महीना के बाद एक बार जो है पता लगा लेना है कि आपका स्टेटस क्या है एप्लीकेशन का एक्चुअली रिजिगनेशन एक्सेप्ट हुआ है या उसमें बॉन्ड वगैरह पेमेंट वगैरह करने की इशू तो नहीं है अगर करने का इशू अगर होगा तो कंसर्न जो एक्चुअली uh, डिवीज़न है आ, होगा आपका वहाँ पे जो है कंसर्न डिपार्टमेंट के जो चीफ ओ होंगे ऑफिस सुप्रीटेंडेंट वो आपको बताएंगे कि आपको इतना जो है एक्चुअली बाउंड पेमेंट करना होगा तब आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा या नहीं करना होगा तो आपका रिजिगनेशन एक्सेप्ट हो गया है तो दोनों केसेस में जो है आपको वहाँ पे जो है रिजिग्नेशन अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक बाद में जो है आपको एक लेटर देगा कि आपका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है आपका पीएफ नंबर वगैरह भी उससे मेंशन रहेगा तो वो लेटर आपको चाहिए ताकि फ्यूचर में कहीं पर अगर आप जाते हैं तो वो जो कंसर्न रेजिग्नेशन जो लेटर रहेगा वो आप दिखा के आपको आगे कहीं भी आप जहाँ पर जॉब वगैरह करना होगा तो वहाँ पर जो है कोई ऐसा इशू वगैरह नहीं आएगा तो वो जो लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए तो इसीलिए जो है रिजिग्नेशन आप देने के बाद जो है एक महीने या दो महीने के बाद डिवीजन जाएँ और आपको सारा डिटेल जो है कंसर्न डिपार्टमेंट के चीफ वेस्क बता देंगे और अगर रिजिगनेशन एक्सेप्ट हो गया होगा तो वो भी आप अपने पास एक रिसीविंग जो है आ, ले लेना है कोई ऐसा समस्या वैसे नहीं होता है काफ़ी दिन के बाद दिए है लेकिन अगर रेगुलर आदमी अगर परजेंट है और ड्यूटी कर रहा उस दौरान देता है तो क्या है थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाता है और अप्सेंट भी चल रहे हैं तो भी आपका एक्सेप्ट रिजिग्नेशन होगा ऐसा कुछ नहीं है जो उसका प्रोसेस है उसके तहत किया जाएगा तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से रिजिग्नेशन uh, uh, में कितना समय लगता है अगर काफ़ी दिन से अगर आप एबसेंट चल रहे हैं इससे रिलेटेड डिटेल आज की इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें धन्यवाद